मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूँ। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर, सवाल पूछूं? एक एक करके सवाल एक बार। सर, 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था। 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो 1 साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना चाहिए, इसलिए सस्पेंड किया? वो पूरी बात मैंने बता दी। सर, जेपी नड्डा जी से क्या बात, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप, उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, कुछ पोस्टर्स यहाँ लग रहे थे, फेडरेशन का ऑफिस जहाँ पहले था वहीं रहेगा या दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद? लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बुआ रही, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। सिंह साहब, 27 जुलाई को कहा जा रहा है कि आपने मॉनसून सत्र के दौरान ये कहा कि ये जो भी चल रहा है रेसलर्स और फेडरेशन के बीच में, इससे आप दुखी हैं और आप एमपी के पोजीशन से भी रिजाइन करना चाहते हैं, और फिर आलाकमान ने आपको रोका कि आप रिजाइन नहीं करिए। क्या कैसरगंज सीट से 27 जुलाई को आपने इस्तीफे की पेशकश की थी? नहीं, गलत सूचना है, ये गलत सूचना है। आपने ऐसा जो भी नहीं, ये गलत सूचना है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूँ, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूँ, नड्डा जी से भेंट करता हूँ, ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। सर, एक सवाल है, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं आप आज मिनिस्टर से? देखिए, वो मेरे नेता हैं, मेरे एक काम तो है नहीं,
चुनाव आने वाले हैं, मैं कभी भी किसी से मिल सकता हूं। तो सर एक सवाल, खेल मंत्री से भी मुलाकात की है? नहीं, इस सब घटना को लेकर नहीं। तो सर, अगर कोई बात होगी उनके स्तर की कोई बात होगी, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। तो सर आने वाले समय में सर जो एक रीजनिंग दी गई कोई भूमिका नहीं होगी है? जो भी होने वाला है चाहे कानूनी, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर, हमने ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई का ऑफिस वही है जो जहाँ पर जिस शिकायत की गई थी यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइयार हैं, मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा? देखिए जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। कभी नहीं, मेरा जवाब नहीं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। एक सवाल हमने आपसे गोंडा में पूछा था, 2024 के चुनाव अब 100 दिनों के अंदर हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? ये बातें हो रही थी कि आप शायद अयोध्या जा सकते हैं या किसी और सीट से लड़ सकते हैं, कैसरगंज से आप नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव? देखिए कैसरगंज, वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूँ, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर, पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से, तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें, और बाकी पार्टी की इच्छा। अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, क्योंकि पहलवान मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है, मेरा रोल समाप्त हो चुका है, मेरा कोई रोल नहीं है। आज के इस फैसले से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज का जो फैसला है उससे ब्रजभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए, मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत या इसको लेकर के टेंशन में हूं, मैं क्यों हूं टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया। सर एक सवाल है, मेरा बजरंग पुनिया ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए। मैंने उनसे सवाल किया सर कि आपका टारगेट यौन शोषण के मामले में न्याय होना है या फिर अध्यक्ष पद है, तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट दोनों में है, हम इसी बात से दुखी हैं कि एक तो मामला चल रहा है इधर अध्यक्ष पे कब्जा एक तरीके से ब्रजभूषण जी का। देखिए यौन शोषण, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी, इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक।
अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? यौन शोषण के मामले में इस जनवरी में बैठे थे मुझे याद है, और आज जाके अध्यक्षी पर पूरा मामला। देखिए ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे, उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। सिंह साहब, एक सवाल है, 12 साल सर, सर आपको अध्यक्ष रहे हैं, आपके आखिरी के 11 महीने जो आप अभी कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ? आप जब आप अध्यक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या? देखिए वो सब बातें कई बार मीडिया के संज्ञान में आ चुकी है, देश के संज्ञान में आ चुकी है। उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है।